इस वक्त एक रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से आई है। सीएलएसए क्या है ये बाद में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुल्क में कोविड से जो संगीन सूरत हाल है उस पर सीएलएसए क्या कुछ मजीद कहा गया है उस हवाले से पहले तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, मुल्क के अंदर जिस तरह से कोविड के संगीन सूरत हाल बनी हुई है, इस सिलसिले में सीएलएसए की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जून के महीने में दूसरी लहर जोर पकड़ेगी, अगले चंद हफ्तों में तश्वीशनाक सूरत हाल हो सकती है। ये सीएलएसए की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जहां पर दूसरी लहर के हवाले से जून में कहा जाता है कि संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा, वहीं तीसरी लहर के हवाले से भी गुज़श्ता कई रोज से जो है वो इंकशाफ हुआ है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन वो कब आएगी इस हवाले से अभी तक नहीं कहा गया है। और साथ ही साथ अब जो दूसरी लहर में संगीन जो है उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, वो माना जाता है कि जून के महीने में मुल्क के अंदर जो हालात वो कहीं ना कहीं संगीन हो सकते हैं। CLSA वो इदारा जो मुख्तलिफ ममालिक की इक्तसादियात पर नज़र रखता है, मार्केट्स पर नज़र रखता है, और आलमी वबा के इस दबाव के बीच मार्केट्स पर कितना बुरा असर पड़ा है, ये तमाम सूरत हाल को एक पन्ने पर लिखकर या रिपोर्ट्स की शक्ल में दुनिया भर के सामने लाता है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर एक और रिपोर्ट तैयार की गई है, खाका खींचा गया है, और हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है ये भी बताया गया है कि दूसरी लहर में तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा ममालिक होंगे, और जून के आते आते ये दूसरी लहर जो इस वक्त है, जहां पर तीसरी लहर का भी पहले ही वार्निंग न सिर्फ जारी की गई है बल्कि खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द अपनी थर्ड वेव की कोविड जो आएगी उसमें ग्रिप पूरा मुल्क ग्रिप करेगा। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बात ये कि इन हालात के बीच में जो इस वक्त वेव चल रही है जिसमें पूरा मुल्क फंसा है, उससे निमटने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन मजीद अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान इस वेव के पीक पर जाने के आसार नजर आते हैं जो इस तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकती है। और CLSA जो इदारा हांगकांग में जिसका हेडक्वार्टर है, लेकिन ये इदारा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, ना सिर्फ हांगकांग, चीन, बाकी हिस्सों के अंदर बल्कि दुनिया भर के बड़े ममालिक पर मुआशी सूरत हाल क्या है, वहाँ की इकोनॉमिकल इस वक्त सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो तमाम चीज़ें एक खाका खींच कर दुनिया भर के सामने रखता है। और इसका बराह रास्त असर जो सेकेंड वेव जब पीक पर जाएगी तो CLSA इदारे के मुताबिक कि हिंदुस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जो ममालिक इस वक्त ज़्यादा तरक्की की बात कर रहे थे, तरक्की के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को या उन ममालिक को सबसे ज़्यादा नुकसान से इस वक्त दो चार होना पड़ेगा, और इसी तरह के खदशात जाहिर किए गए हैं।